विभागीय समीक्षा बैठक लेने दुर्ग पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। इस दौरान बैठक में कलेक्टर, एसपी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। विभागीय समीक्षा बैठक को लेकर आज प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हुए बैठक में शामिल। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा बारी बारी से अपने विभाग के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान बैठक में शहर विधायक अरुण वोरा सहित चारों नगरीय निकायों के महापौर भी हुए शामिल। इस मामले में प्रभारी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला स्तर में सभी विभागों की आज समीक्षा बैठक थी। उस समीक्षा बैठक में जो स्वास्थ्य के बारे में या राशन कार्ड के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में, अलग अलग विभागों के, लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में, सारे विभागों के बारे में समीक्षा बैठक हुई और इस प्रकार से जानकारी विभागों के द्वारा मिली गई, तो मैं ऐसा समझता हूँ काम संतोषजनक अपनी जगह है। जो प्रतिपक्ष में है उनको आरोप लगाना है, और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो समय समय पर उस बारे में भी जानकारी दी जाती है, और इस प्रकार की स्पेसिफिक कोई घटना है तो ऐसी घटनाओं में तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि विभाग सक्षम है कार्रवाई। आरक्षण का सबसे बड़ा काम तो कांग्रेस ने किया है, विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में बाकायदा पारित कराया, और राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि यदि मेरे पास आप भेजें, और उन्होंने विशेष सत्र बुलाने के लिए पत्र प्रेषित किया। जब पारित हो गया है तो फिर अब आगे वकील रखने की जरूरत ही नहीं है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।